बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका गृह यौन शोषण कांड मामले पर जारी राजनीति का मैदान अब दिल्ली बनने जा रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दिल्ली के जंतर मंतर पर स्कैंडल मार्च निकालेंगे और धरना देंगे। तेजस्वी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। इसके अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सहित विपक्ष के तमाम नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी शनिवार को होने वाले धरने में शामिल होने की बात कही है। तेजस्वी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने धरने में शामिल होने के लिए हामी भर दी है। इसके अलावा सिविल सोसाइटी के तमाम प्रतिनिधि भी धरने में शामिल हो सकते हैं। आज तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि मुजफ्फरपुर में बालिका गृह में बेटियों के साथ हुई हैवानियत के विरोध में विशाल धरना और कैंडल मार्च 4 अगस्त 5:30 बजे जंतर मंतर पर है, तो जरूर आइएगा। भारत माता की बेटियों की सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए एकजुट होइए। तेजस्वी यादव के ट्वीट पर जवाबी हमला करते हुए चिरकुट बाबा नाम से एक यूजर लिखते हैं कि साल 2008 में लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में कुछ लोगों ने लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को पीटा था। तेजस्वी यादव और तरुण को कुछ गुस्साए लड़कों ने फार्म हाउस में बुरी तरह से पीटा था। क्यों तेजस्वी जी, कनॉट प्लेस और अशोक होटल तो आपको याद ही होगा। तेजस्वी यादव के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए केजरीवाल लिखते हैं, दिल्ली के लोगों से अपील है, हमारी बहन बेटियों की हिफाजत के लिए आज 5:00 बजे जंतर मंतर पर जरूर आएं। अरविंद केजरीवाल अपने इस ट्वीट के बाद ट्रोलर्स के लपेटे में आ गए। इसी बात को लेकर संजय हिंदू लिखते हैं कि जो केजरीवाल बलात्कारियों को सिलाई मशीन और आर्थिक सहायता देता है, वो बेशरम दिल्ली के लोगों को जंतर मंतर पर आने की अपील कर रहा है। अपनी अपनी बहन बेटियों का ध्यान रखें, वहाँ राशन कार्ड बनाने वाले कई बलात्कारी बैठे हैं। श्रुति अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ट्वीट करती है कि सर, जब तक बकरी से 5 मुसलमानों ने रेप किया तो तब आपका ऐसा ट्वीट क्यों नहीं आया? आप कितनी राजनीति खेलेंगे सर? पुष्पेंद्र त्रिपाठी लिखते हैं, मंदसौर की बेटी क्या बेटी नहीं है? तब क्या केजरीवाल और स्वाति मालीवाल नींद की गोली खाकर सो रहे थे? अब चले हो दिल्ली को फिर से बेवकूफ बनाने। तेजस्वी यादव का धरना प्रदर्शन करना और कैंडल मार्च निकालना गलत नहीं है, गलत है मुद्दे को सियासी रंग देना। मामला जांच एजेंसियों के पास है, ऐसे में बिना मतलब के ये सब करना गलत है। तेजस्वी जी, आप किसे धोखा दे रहे हैं? लालू जी के राज में जमकर बलात्कार, कुकर्म और उत्पीड़न जैसी घटनाएं होती थी, तब आपका जमीर कहाँ सो गया था? आपके प्राइवेट सेक्रेटरी मणि प्रकाश यादव अनैतिक देह व्यापार में आरोपी हैं। इनके खिलाफ गांधी मैदान थाना में मामला दर्ज है, जिसमें अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत 2011 में FIR दर्ज की गई थी। इस पर तो आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई। तेजस्वी, थोड़े बड़े हो जाइए, वरना देश की जनता आपको भी राहुल गांधी की तरह सीरियस नहीं लेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ट्रेंडी न्यूज़ के साथ।